बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। वज़ीर आज़म का आज एतमाद का वोट लेंगे, कितने वोट ज़रूरी हैं? इतलात के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान ख़ान आज कौमी असम्बली में एतमाद का वोट लेंगे। कौमी असम्बली कवायद के मुताबिक वज़ीर आज़म एतमाद का वोट करारदाद के तहत की तकसीम के ज़रिए राय शुमारी के तहत लेंगे। कौमी असम्बली के कायद 36 और शेड्यूल डोम के मुताबिक इजलास शुरू होने के बाद स्पीकर कौमी असम्बली 5 मिनट तक ईवान में घंटे बजाने की हदायत करेंगे, जिसका मकसद ये है कि पार्लियामेंट की इमारत में मौजूद तमाम अरकान की हाजिरी यकीनी हो जाए। इसके बाद हाल के तमाम दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे और सिर्फ कोई रुकन बार या अंदर नहीं आ सकेगा। अब देखें कि स्पीकर वज़ीर आज़म पर एतमाद की करारदाद पढ़ने के बाद अरकान से कहेंगे कि उनके हक में वोट डालने के ख्वाहिशमंद शुमार कुनगान के पास वोट दर्ज करवा दें। अब देखें कि शुमार कुनगान की फहरस्त में रुकन के नंबर के सामने निशान लगाकर उसका नाम पुकारा जाएगा। प्यारे दोस्तों, कवायद के तहत वोट दर्ज होने के बाद अपोजिशन और हकूमती अरकान अपनी अपनी लेबर्स में इंतज़ार करेंगे। तमाम अरकान के वोट मुकम्मल होने के बाद सेक्रेटरी कौमी असम्बली गिनती का नतीजा स्पीकर के हवाले करेंगे। मज़ीद वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले हमारी गुजारिश है कि जिन अहबाब ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में जुड़ी बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि न्यूज़ से रिलेटेड जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें वो सबसे पहले आप अहबाब को मिल सके। स्पीकर दोबारा 2 मिनट के लिए घंटियां बजाएंगे, ताकि लेबर्स में मौजूद अरकान कौमी असम्बली हाल में वापस आ जाएं और फिर स्पीकर कौमी असम्बली नतीजे का ऐलान कर देंगे। वज़ीर आज़म पर एतमाद की करारदाद मंजूर या मुस्तरद होने के बारे में कौमी असम्बली के स्पीकर सदर मुमलिकत को तहरीरी तौर पर आगाह करने के पाबंद हैं। क्या रहे कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को सादा अक्सरियत के लिए हर सूरत 171 वोट हासिल करना ज़रूरी है। 341 के ईवान में हकूमती इत्तेहाद की तादाद 181 जबकि अपोजिशन के पास 160 वोट हैं। कौमी असम्बली में PTI के अपने 157 अरकान हैं, जबकि इत्तेहादियों में MQM के 7, मुस्लिम लीग काफ और BAP के 5-5 नशिस्तें हैं। GLD की 3 आल पाकिस्तान मुस्लिम लीग और जमहूरी वतन पार्टी की 1-1 नशिस्त है। 2 आज़ाद उम्मीदवार भी हकूमत के साथ खड़े हैं। स्पीकर कौमी असम्बली वोट इस्तेमाल नहीं करेंगे, जिसके बाद कौमी असम्बली में हकूमती इत्तेहाद का नंबर 180 बनता है। प्यारे दोस्तों, PTI रुकन फैसल वर्डट हाई कोर्ट में अपना इस्तीफ़ा पेश कर चुके हैं। ताम कौमी असम्बली ने उनकी डीसीट करने का नोटिफिकेशन अभी तक जारी नहीं किया, इसलिए वो भी वोट डालने के अहल होंगे। मुतहद अपोजिशन में मुस्लिम लीग नून के 83 और पीपल्स पार्टी के 55 अरकान हैं। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर हम आपको ये भी बताते चलें कि मुतहद मजलस अमले पाकिस्तान की 15, BNP की 4, INP की 1 नशिस्त है, जबकि अपोजिशन को 2 आज़ाद उम्मीदवारों के साथ भी हासिल है। ताहम PDM ने आज के इजलास के मुकम्मल बायकाट का ऐलान किया है। दूसरी जानब वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने PTI के अरकान असम्बली को ख़त लिखा है, जिसमें इन्हें हदायत की गई है कि पार्टी की हदायत के मुताबिक तमाम अरकान को एतमाद के वोट के लिए हाजिरी यकीनी बनाना होगी। अब देखें कि बहुत सी ऐसी पार्टी हैं जो कि इमरान ख़ान साहब के खिलाफ खड़ी हो चुकी हैं। जरदारी पूरी तरीके से इमरान ख़ान के खिलाफ साजिशें चल रहा है। जरदारी की पूरी कोशिश है कि PTI के जितने भी अरकान हैं उनको ख़रीदा जाए, पैसा लगाया जाए,
जबकि इमरान खान साहब पहले ही कह चुके हैं कि जरदारी ने हमारे लोगों को 2-2 करोड़ की ऑफर दी और कहा कि उनको सपोर्ट ना किया जाए, इमरान खान को छोड़ दो। अब देखें कि जरदारी की परवेज़ इलाही को भी ऑफर, इमरान खान को छोड़ दो, मैं तुमको वजीर आला पंजाब बना दूंगा। इसके अलावा मैं इमरान खान के लिए इतनी मुसीबत खड़ी कर दूंगा कि वो खुद ही इस्तीफ़ा देकर चला जाएगा, बेहतर है तुम मेरे साथ दो, जरदारी का पीटीआई मेंबरान को पैगाम। जरदारी ने कहा कि अगर इमरान खान साहब की हुकूमत गिर जाती है और मुझे पता चलता है कि आप लोगों ने मुझे सपोर्ट नहीं किया तो फिर आप लोगों का अंजाम बहुत ही बुरा होगा। यात्री की अपोजिशन जितनी भी पार्टी है वो मुसलसल इमरान खान के खिलाफ हैं और ये तमाम तर लोग अब एक हो चुके हैं ताकि वो एक दूसरे को सपोर्ट कर पाएँ, इसी में उनका फ़ायदा है। इमरान खान साहब ने पहले ही बता दिया था कि एक वक्त ऐसा आएगा जब तमाम तर चोर एक हो जाएंगे, एक दूसरे की जान बचाने के लिए ये हाथ पांव मारेंगे और आज देख लें कि वो तमाम तर सूरतयाल आपके सामने हैं। आज एतमाद वोट लिया जाएगा और पता चलेगा कि कौन कौन इमरान खान को सपोर्ट कर रहा है, वरना असम्बलियों को हमेशा के लिए गिरा दिया जाएगा और फिर फौज की हुकूमत आ जाएगी। जरदारी क्या कर रहा है कि जितना पैसा उसके पास है वो सारा लगाने के लिए तैयार है और जो इमरान खान के सपोर्टर हैं उनको पैसे की ऑफर देकर अपने साथ मिलाने की कोशिशें कर रहा है। प्यारे दोस्तों, इससे पहले इमरान खान साहब एक खिताब कर चुके हैं जिसमें उन्होंने कहा कि 1 से 2 वीडियो लीक हो चुकी हैं जिसमें जो अपोजिशन पार्टी के लोग हैं वो पैसे बांट रहे हैं, करोड़ों के हिसाब से पैसा उस वीडियो में देखा जा सकता है कि वो अपने बैग में डाल रहे हैं। इन लोगों की पूरी कोशिश है कि तमाम तर लोगों को ख़रीदा जाए। इतमाद वोट से पता चलेगा कि कौन कौन लोग इमरान खान साहब को सपोर्ट कर रहे हैं जो कि सच्चाई को सपोर्ट करेंगे और इन लोगों के खिलाफ खड़े होंगे। जरदारी धमकियाँ लगा रहा है कि जो भी इमरान खान को सपोर्ट करेगा मैं उसे मार दूंगा। याद रहे कि जरदारी नवाज शरीफ बहुत ही बड़े दुश्मन हैं। अब मरियम नवाज़ भी इमरान खान साहब की हुकूमत गिराने की नाकाम कोशिशें कर रही है, लेकिन इमरान खान साहब ने कहा कि मैं मर जाऊंगा लेकिन इनको नहीं छोड़ूंगा क्योंकि इन्होंने मासूम आवाम का पैसा लूटा है और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बैले मुल्क में भेज दिया है। पहले दोस्तों, अगर आज की वीडियो आप बाप को हमारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और पाक आर्मी और इमरान खान साहब के हक में एक नारा कमेंट्स में ज़रूर लगा दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।